अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे एनिमल किंगडम को, और हमने बात की थी कि एनिमल किंगडम को दो मेजर डिवीजन्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। पहली डिवीजन जो है वो है पैराजोआ, जिसके अंदर हमने वो एनिमल्स रखे हुए हैं जो होते तो मल्टी सेलुलर हैं लेकिन इनके अंदर ऑर्गन्स की कोई तरतीब नहीं होती, यानी कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं और इनकी बॉडी के अंदर टिश्यूज भी मौजूद नहीं होते, यानी कि मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन सेल्स प्रॉपरली टिश्यूज की फॉर्म में अरेंज नहीं है। डिवीजन पैराजोआ के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम आता है और वो है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो वर्ड है ये दो लैटिन वर्ड्स से डिराइव्ड है। पहला वर्ड है पोर्स और दूसरा वर्ड है फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर वाला और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। तो पोरी फेरा का लफ्जी मतलब है पोर बियरिंग एनिमल्स। अब इनको कॉमन लैंग्वेज में हम इंग्लिश में स्पंज भी कहते हैं। स्पंज इनको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह हमारी जो कॉमन बाथ स्पंज होती है या जिस तरह हमारी बर्तन धोने की स्पंज होती है, तो बिल्कुल इसी तरह ये स्पंजिस की बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे से सुराख होते हैं, और इसकी वजह से कई मुल्कों के अंदर स्पंजिस को इनफैक्ट इस्तेमाल किया जाता है बाथ स्पंज के तौर पे या बर्तन धोने के लिए। ये स्पंजेस जो हैं ये सारी की सारी स्पंजेस पानी के अंदर पाई जाती हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में रहती हैं, और इनकी तकरीबन 5000 डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनमें से 150 स्पीशीज सिर्फ फ्रेश वाटर में होती हैं, बाकी सारी की सारी मरीन वाटर के अंदर पाई जाती हैं। फाइलम पोरीफेरा के जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहले तो मल्टी सेलुलर बॉडी आ जाती है कि इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वगैरह की कोई तरतीब नहीं होती, सिमिट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं कि कोई ब्रांच किसी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, कोई ब्रांच किसी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल इसी तरह इनकी बॉडी भी ग्रो करती है। इसके अलावा इनके अंदर प्रॉपर सेल्स जो हैं वो प्रॉपर टिश्यूज की फॉर्म में अरेंज नहीं है, जस्ट एक मैस ऑफ सेल्स है और बाकायदा तौर पे सेल्स जो हैं टिश्यूज नहीं बनाते। इसके जब टिश्यूज नहीं बनाते तो जाहिर है कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स भी मौजूद नहीं होते। बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं सिर्फ दो सेल लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, और ये स्पेशलाइज सेल्स पर मुश्तमिल होती है जिनको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्वेनोडर्म कहलाती है, और क्वेनोडर्म जो है वो क्वेनोसाइट्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इन दोनों सेल्स के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल की लेयर होती है जिसको मीजेनकाइम कहते हैं। मीजेनकाइम जो है इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा मीजेनकाइम के अंदर स्पंज के स्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको हम स्पिक्यूल कहते हैं, और ये स्पिक्यूल्स जो हैं ये आगे जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्केलेटन के तौर पे या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। स्पंजिस का साइज जो है वो हाईली वेरिएबल होता है। कुछ स्पंजिस जो हैं वो साइज में बहुत छोटी होती हैं, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स की होती हैं, उसके मुकाबले में कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो 1 मीटर से ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। स्पंजिस के अंदर मोस्ट स्पंजिस के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, इस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। कई स्पीशीज के अंदर ये स्पॉन्जोसील जो है ये फर्दर छोटे छोटे चैम्बर्स में या नालियों के अंदर डिवाइडेड होती है, और इन नालियों के इर्द गिर्द जो है वो फिर स्पेशलाइज सेल लगे हुए होते हैं हर तरफ वॉल्स के अंदर। इन सेल्स को हम क्वेनोसाइट्स कहते हैं। ये क्वेनोसाइट्स एक्चुअली फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं, यानी कि पानी जो स्पंज के अंदर मरीन वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उस पानी के अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं, और उनसे उनमें से जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करके फूड ऑब्टेन करते हैं।
इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन सुराखों को हम ऑस्टिया कहते हैं। जिस तरह ये फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि बॉडी जो है ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इन्हीं पोर्स की वजह से इनको हम स्पंज का नाम देते हैं या पोरीफेरा का नाम देते हैं। वाटर एंटर होता है और वाटर फिर अंदर नालियों से होता हुआ स्पॉन्जोसील में पहुंचता है और अल्टीमेटली एक बड़ी ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम के थ्रू पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इनके अंदर बकायदा तौर पे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता क्योंकि बॉडी के अंदर सिर्फ दो सेल लेयर्स हैं। आउटर सेल के साथ भी बाहर पानी मौजूद है और इनर सेल्स के साथ भी पानी मौजूद है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली पानी के साथ हो जाता है, मरीन वाटर के साथ हो जाता है। तो उसके लिए इनके अंदर फिर कोई स्पेशल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जब गैस एक्सचेंज और फूड वगैरह का एक्सचेंज डायरेक्टली हो सकता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम की भी कोई खास जरूरत नहीं है। अक्सर ये जितनी भी स्पंजेज हैं ऑल ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली सेसाइल, मूव नहीं कर सकती। जिस तरह प्लांट्स मट्टी के अंदर ग्रो करते हैं, जिस जगह पे पैदा होते हैं उसी जगह पे ग्रो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो इसी तरह ये स्पंजेस भी एक सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती।